हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग का जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था बैक्टीरियल डिजीज को, और इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था वायरल डिजीज को। जो डिजीज हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज हैं। तो वो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में शॉर्ट में उसको एक जगह कलेक्ट करके और उसके पैथोजेन के नेम, इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, और साथ ही साथ अगर उसका कोई वैक्सीन है तो उसके नाम या वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज को एक बार देखेंगे। तो आज हम लोग कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज अपार्ट फ्रॉम जो इम्पोर्टेंट जो है जिनका पूरा डिटेल हम लोगों ने किया है, उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज जो है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें इन शॉर्ट में जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज को। ओके, तो पहले हम लोग देख रहे हैं सम अदर बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज के हम लोग ये पहले कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा नेम ऑफ डिजीज, और सेकेंड कॉलम हमारा होगा पैथोजेन, थर्ड कॉलम सिम्टम्स, यानी इसमें पैथोजेन का नाम हम लोग डालेंगे, और थर्ड कॉलम सिम्टम्स, जैसे सिम्टम्स हम लोग देखते आए हैं तो ये हमारा सिम्टम्स, साथ ही साथ ट्रांसमिशन एंड इंक्यूबेशन। जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग देख रहे थे, ट्रांसमिशन एंड एक ही में कर लेंगे, ट्रांसमिशन और इंक्यूबेशन, और उसके बाद में लास्ट है ये अगर उसका वैक्सीन है तो वैक्सीन के नाम या अवेलेबल है कि नहीं है वैक्सीन। ठीक है, तो इतना सारा चीज हम लोग एक जगह पहले ले वन बाय वन करके लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ वायरल डिजीज को एक जगह करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिप्थेरिया को। डिप्थेरिया कोरिन बैक्टीरिया, डिप्थेरी जो है इसका पैथोजेन का नाम है, और डिप्थेरिया को हम लोग डायग्नोज करते हैं सीक टेस्ट से, SHICK, सीक टेस्ट से डायग्नोज होता है, और पैथोजेन का नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरे। तो और सिम्टम्स में इसमें होता है सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कैसे अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा जाए तो यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू मैक्सिमम जो हम लोग डिजीज देखेंगे, जैसे यहां पर जो बैक्टीरियल डिजीज होगा या वायरल डिजीज होगा, उसका मैक्सिमम मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होगा या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा
वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, यानी ड्रॉपलेट के थ्रू। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अभी हम कोई भी पर्सन किसी इस तरह के डिजीज से सफर कर रहा है, उसके आसपास जब वो छींकेगा या तेजी से सांस लेगा या मुंह खोलेगा तो जो ड्रॉपलेट उससे बाहर आएंगे और उसी ड्रॉपलेट को कोई दूसरा पर्सन इनहेल करेगा तो क्या होगा, उसे ये डिजीज हो जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो इनहेल कर लेगा। और इसका इंक्यूबेशन है 2 to 5 days, यानी यह अगर आज यह बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर किया है तो 2 to 5 दिन के बाद में यह डिजीज शो करेगा। और डीपीटी का वैक्सीन का नाम है डीपीटी वैक्सीन। तो इस तरह से ठीक। अब दूसरा हम सेकेंड या एक बैक्टीरियल डिजीज हुआ, उसके बाद सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है वूपिंग कफ। सेकेंड का नाम है वूपिंग कफ। इसका जो पैथोजेन है बोर्टेला पर्ट्यूसिस, और इसका सिम्टम्स है वूपिंग साउंड एंड फेस बिकम्स रेड, यानी फेस जो होगा वह रेड हो जाएगा, फेस बिकम्स रेड। उसके बाद में यह भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और यह 10 टू 16 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और इसमें भी डीपीटी का वैक्सीन काम आता है। तो डीपीटी का वैक्सीन इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस को हम लोग लॉक जॉ कहते हैं, यानी कि जब यह इंफेक्शन होता है तो ये जो जॉ है हमारा वो कंप्लीटली लॉक हो जाएगा, ऊपर के और नीचे के दांत यानी इस तरह से कंप्लीटली ये लॉक हो जाएगा, जिसे चाह करके भी फिर खोला नहीं जा सकता है। और एक बार ये टेटनस कंप्लीट अगर हो गया तो फिर 100% फेटल इफेक्ट, यानी फिर वो क्योर नहीं हो सकता है। तो यह बहुत ही डेंजरस है, इसी वजह से कभी भी हमें किसी पुराने लोहे से या कोई सर्जरी ऑपरेट करना होता है तो डॉक्टर पहले ही क्या करता है, टेटनस का जो पहले ही जो है वह एंटीबॉडी बना बनाया रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी को इंजेक्ट कर देता है। तो कभी भी हम कहीं जाते हैं कुछ भी अगर डॉक्टर कुछ चीड़ फाड़ करता है हमें तो एक टेटनस का एंटीबॉडी डाल देता है, तो वो इसी वजह से। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, तो टेटनस को हम लोग लॉक जॉ कहते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टेटैनी जो है इसका पैथोजन है, क्लोस्ट्रिडियम टेटैनी, और इसका सिम्टम्स है मसल स्पाज़म ऑफ जॉ एंड फेस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 25 days और यह वुंड इन्फेक्शन में आता है और 3 to 25 days इसका ये। और इसी वजह से जब कोई पुराने लोहे वगैरह से कटता है तो
तो कहा जाता है 48 आवर्स के अंदर हमें ले लेना चाहिए। ऐसे जनरली 24 घंटे के अंदर ही हम लोग ले लेते हैं इसके वैक्सीन ये एंटीबॉडी को, और इसमें भी डीपीटी वैक्सीन का होता है। ठीक, उसके बाद में है नेक्स्ट लेप्रोसी, बहुत ही खतरनाक स्किन से रिलेटेड डिजीज, लेप्रोसी, और इसको डायग्नोज करते हैं हम लोग लेप्रोमी स्किन टेस्ट से। किससे? तो लेप्रोमीन स्किन टेस्ट से। इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है पैथोजन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लाइट कलर पैचेज ऑन स्किन इसका सिम्टम्स है, लाइट कलर पैचेज ऑन स्किन इसका फर्स्ट सिम्टम्स है, और यह प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट के बाद आता है। इसका कोई नो वैक्सीन, इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, उसके बाद में है डिसेंट्री, डिसेंट्री सीगेला डिसेंटेरी जो है इसका पैथोजेन नाम है सीगेला डिसेंटेरी। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, साथ ही साथ ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। तो जो स्टूल डिस्चार्ज होगा उसमें ब्लड भी आएगा और म्यूकस भी आ सकते हैं। म्यूकस कहने का मतलब कुछ व्हाइट टाइप के या तो, और रेड रेड भी आ सकता है, तो दोनों चीज आते हैं इसमें। ठीक है, खास करके अगर कहीं पर खुले खाने पीने की जो चीज होती है उससे यह इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो खुला रोड के किनारे जो खुले हुए खाना है उसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया फेकल एंड ओरल रूट, और इसका भी वैक्सीन नहीं है। उसके बाद में है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का है बैसिलस एंथ्रेकस पैथोजेन का नाम, बैसिलस एंथ्रेकस, और ये आता है इट कम फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, कम फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, और यह तीन तरह से हो सकता है। एक होता है क्यूटेनियस, क्यूटेनियस क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, दूसरा है पल्मोनरी, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, और तीसरा है थर्ड वन इज
इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, ओके। और ये कैसे इंफेक्शन होता है, तो एंथ्रेक्स स्पोर जो हम लोग यानी एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्स का जो स्पोर होगा वो किसी भी थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्लियर इस तरह का इंफेक्शन काउज करेगा। और एंथ्रेक्स का वैक्सीन का नाम है एंथ्रेक्स वैक्सीन, ओके। तो ये इस तरह से कंप्लीट, अभी और भी हमें देखना है तो आप इसे जब तक नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह से ये सब जो है, वैसे तो सबसे पहले मैंने आपको बैक्टीरियल जो जितने भी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के जो बुक में भी है तो वो सारे मैंने आपको पहले वन बाय वन कंप्लीट डिटेल हमने दे दिया। और उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम वो डिजीज ये भी जो है वो आपको देखना है तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अब कुछ दो चार और बैक्टीरियल डिजीज हम लोगों को यहां पर फोकस करना है, उसके बाद हम लोग फिर कुछ इसी तरह के अदर वायरल डिजीज को देखेंगे, ओके। तो अब हमारा अगर ये हुआ तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर से क्लियर करके और जो बचे हुए जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास ऑप्शन है मिटा के दोबारा से लिखने का, बट यू हैव नो एनी ऑप्शन, यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप सिर्फ नोट डाउन करो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट एंथ्रेक्स तक हम लोगों ने देखा, उसके बाद है हमारे नेक्स्ट जो डिजीज है बैक्टीरियल वह है प्लेग। यह भी पहले अपने टाइम में बहुत बड़ी महामारी थी और इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं वेशन स्टेन टेस्ट। यर्सिनिया पेस्टिस जो है यर्सिनिया पेस्टिस दिस इज द पैथोजन फॉर प्लेग, हाई फीवर एंड बीवॉन आर्मपीट, ये दोनों जो है इसके सिम्टम्स हैं। बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड फ्रॉम रैट टू मैन, सूरत में बहुत बड़ी महामारी के रूप में ये आया था एक बार जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां के सीएम थे। बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैक्टीरिया
ट्रांसमिटेड फ्रॉम रैट टू मैन, ओके, और एंटीप्लाई वैक्सीन जो है फिर डेवलप हुआ आपको जान के हैरानी होगी कि किसी एक वैक्सीन को पूरी तरह से डेवलप करने में लगभग 10 साल का टाइम लग जाता है और आज हम लोग कोरोना से इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं और इतना जल्दी हम लोग वैक्सीन का डिमांड कर रहे हैं इसी वजह से। ऐसा नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन नहीं बन सकता है, हो सकता है बहुत जल्दी ही बन जाए, बट जो जनरली जो एक वैक्सीन के ट्रायल से लेकर के कंप्लीट सक्सेस होने तक में लगभग 10 साल का समय लग सकता है, तो हमें इसके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आएगा उसका भी वैक्सीन आएगा। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है गोनोरिया, फीमेल का होने वाला ही बहुत ही भयानक कष्टदायी जो है वो डिजीज है। इसके पैथोजन का नाम है नीसेरिया गोनोरिया, नाम बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। नीसेरिया गोनोरिया गोनोरी और यह मेल में, इन मेल क्या काम करेगा तो इंफ्लामेशन इन यूरेथ्रा एंड पेनफुल यूरिनेशन, डिसकंफर्ट और इन फीमेल में एब्डोमिनल डिसकंफर्ट यूटेराइन ब्लीडिंग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसी को एसटीडी भी बोलते हैं। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 days। अब आप सोच रहे हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें नहीं मिला है, ठीक है, तो ये वैरी करता है, यह एक महामारी है, बहुत जल्दी होने वाला है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो नो वैक्सीन। अब एक लास्ट डिजीज है बैक्टीरिया का बॉटुलिज्म, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज बॉटुलिज्म, क्लोसिडियम बॉटुलिज्म इसके पैथोजेन का नाम है, क्लोसिडियम बॉटुलिज्म इसका सिम्टम्स है स्वेलिंग, टंग, डबल विजन,
वोमिटिंग एंड डायरिया भी। डायरिया या फिकल और ओरल रूट से होता है और 18 to 36 डेज इसका भी नो वैक्सीन। तो बेटा ये सारे जो है वो एक जगह आपको कलेक्ट करके रखना है। ये कौन से तो बैक्टीरियल डिजीज का। वैसे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट आपको एग्जाम में या एमसीक्यू में तो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले जो एनसीईआरटी में जितने भी डिजीज के नाम दिए हैं प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आपको उसको कंप्लीट करना है, जो जो बैक्टीरियल डिजीज के नाम दिए हैं वो जो मैंने करा चुका है। उसके बाद में ये इतने सारे नाम जो है ये सबको भी इसमें से आपको मेन जो याद रखना है एक है डिजीज का नाम, दूसरा उसके पैथोजेन का नाम और साथ ही साथ उसका सिम्टम्स। ये तीन चीज थोड़े से आपको ध्यान में रखना। सिम्टम्स में भी आप आसानी से इसको ये देख सकते हो, जैसे फीवर वगैरह क्या है वो कोई कॉमन सिम्टम्स है, उससे आप पता नहीं कर सकते। अगर हम डॉक्टर के पास जाके कहेंगे कि हमें 2 दिन से फीवर है तो डॉक्टर ये नहीं पता लगा, दुनिया का कोई डॉक्टर ये नहीं पता लगा सकता इससे कौन सा डिजीज या इन्फेक्शन है। अगर हम जाके कहेंगे सिर्फ हमें फीवर है तो फीवर इज द कॉमन सिम्टम। तो फीवर कोई ऐसा नहीं है, फीवर का मतलब है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो फीवर सबसे पहले आएगा कोई भी इन्फेक्शन है। तो आप इसमें थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करो कि इसमें यूनिक क्या है, जैसे इसमें हाई फीवर और हाई फीवर के साथ में ब्यूबोर ऑन आर्मपिट ये यूनिक हो गया। आप इसमें देखो यहां पे इसका यूरिनेशन और यानी पेनफुल यूरिनेशन होगा और इन्फ्लामेशन जो होगा यूरेथ्रा में होगा इन फीमेल, इसलिए डॉक्टर का जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारे इस लोअर एब्डोमिनल पोर्शन को थोड़ा दबा के दिखता है, पूछता है दर्द हो रहा है, जैसे ही दबाएगा उस लोअर पोर्शन में तब बोले हाँ दर्द हो रहा है, तो उसका अंदाजा जो है वह उसकी ओर लेके जाएगा, किसकी ओर तो गोनोरिया की ओर, और बोलेंगे जब भी यूरिनेशन करते हैं तो बहुत दर्द होता है फीवर रहता है, तो वो समझेगा कि ओके ये सारे सिम्टम जो है गोनोरिया से रिलेटेड है, वो दवा लिख देगा। तो इसमें भी आपको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से जो है वह ये डिजीज के सिम्टम जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। नेक्स्ट अब चलिए हम लोगों को देखना है, जैसे हम लोगों ने देखा सम अदर बैक्टीरियल डिजीज, उसी तरह हम लोगों को देखना है सम अदर वायरल डिजीज। तो यहां पर सब सेम, बस यहां पर हमें बैक्टीरियल की जगह पे ये वायरल डिजीज हो गया और उसमें भी हम लोग इस तरह से यानी डिजीज का नाम, पैथोजेन का नाम और उस डिजीज के सिम्टम्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड साथ ही साथ उसका इंक्यूबेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजिया इसे या फ्लू कहते हैं, ऑर्थोमिक्जो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस इसके पैथोजेन है, ऑर्थोमिक्जो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस इसके पैथोजेन का नाम हुआ। सोर थ्रोट एंड हेडेक या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और इसके वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन।
तो ये वायरल का एक अदर डिजीज हुआ। नेक्स्ट इसमें स्मॉल पॉक्स या वैरियोला इसको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स या वैरियोला, ठीक है। स्मॉल पॉक्स अब इरेडिकेट हो चुका है, यानी अब नहीं है, इसको कंप्लीटली हम लोगों ने, यानी कि इंडिया जो है या वर्ल्ड जो है वह स्मॉल पॉक्स मुक्त हो चुका है। तो यह जनरली अब नहीं है, तो स्मॉल पॉक्स को ही वैरियोला कहते हैं और इट इज नाउ इरेडिकेटेड और इसके पैथोजन का नाम है वैरियोला वायरस। वैरियोला वायरस और यह क्या है, इरेडिकेटेड है। इरेडिक्शन इसका हो चुका है, इसमें हाई फीवर एंड वेसाइकल कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड ऑन स्किन वाले आते हैं, यानी कि स्किन पे छोटे छोटे ये जो स्मॉल वेसाइकल बनेंगे उस वेसाइकल के अंदर कुछ क्लियर फ्लूइड रहेंगे। तो इसमें हाई फीवर, स्मॉल वेसाइकल कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड ऑन स्किन, कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड ऑन स्किन, यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज है और इसके वैक्सीन का नाम, तो वैक्सीन इसका जो डिस्कवर किए थे वो उन्होंने एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। उसके बाद में है चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर जो है, जोस्टर और इसमें माइल्ड फीवर एंड रैशेस ऑन बॉडी होता है एंड रैशेस, यह भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या 14-21 डेज और इसके वैक्सीन का नाम है वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन उसके बाद में है चिकन पॉक्स के बाद में मम्स, मम्स पारामिक्सो वायरस जो है इसके पैथोजेन है, पारामिक्सो वायरस पैथोजेन हुए एंड पेनफुल स्वेलिंग painful swelling on parotid gland on one or both side,
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या भी है, हमने शुरू में ही बोला था कि मैक्सिमम इन्फेक्शन जो है वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका इंक्यूबेशन 16 to 18 days और इसका वैक्सीन जो है वह है MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन जो है उसका पूरा नाम है मम्स मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन, तीनों में काम आता है इसलिए उसका MMR नाम पड़ा है। मम्स के बाद में हम लोग देखेंगे रूबेला। यह रूबेला वायरस से होता है। ब्राइट रेड रैश बिगिंस ऑन द फेस, ब्राइट रेड रैश बिगिंस ऑन फेस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या 12 to 23 days इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। और इसमें भी आ गया MMR वैक्सीन यानी मम्स मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन, यानी तीनों में एक साथ ये इस तरह का वैक्सीन बना जो तीनों में काम आए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो मम्स देख लिए, रूबेला देख लिया, मीजल्स भी देख लीजिए। मिसल्स में रूबियोला वायरस है, रूबियोला वायरस, रेडिश रैश अपीयर्स ऑन नेक, रेडिश रैश अपीयर ऑन नेक, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 12 to 23 जिसने 10 days का इंक्यूबेशन पीरियड है और इसमें भी आ गया MMR वैक्सीन। ओके, अब हमें देखना है ये, तो इतने सारे जो हैं यह डिजीज वायरस के हैं। दो और देखना है हमें, एक येलो फीवर देखना है और दूसरा नेक्स्ट यानी सार्स देखना है। और सार्स का ही एक बिरादरी यानी उसी की फैमिली का, सार्स के ही फैमिली का जो है वह है कोरोना वायरस, उसी के जैसा है, उसी के फैमिली से है जो आज हमें इतना परेशान कर रखा है। सार्स, मार्स, कोरोना सब एक ही फैमिली के हैं। ये सब हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी एक साथ और अलग अलग पीरियड में ये सब अलग अलग नाम से आए हैं लेकिन सबका फैमिली एक ही है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा येलो फीवर। येलो फीवर का पैथोजन है फ्लैवी वायरस। सडन हाई फीवर, सीवियर पेन इन ज्वाइंट्स, सडन हाई फीवर,
सीवियर पेन इन ज्वाइंट्स, ये होता है ड्यू टू बाइटिंग ऑफ एडीज एगिप्टी मॉस्किटो जो है, चिकनगुनिया और डेंगू में भी यही आया था, एडीज एगिप्टी में आया था, तो इसी के काटने से भी होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 4 days और वैक्सीन अवेलेबल है इसका। अगला आप देखेंगे हम लोग सांस, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोरोना वायरस आया ना इसमें, सार्स कोरोना वायरस जिसके पैथोजेन है, और इसमें क्या क्या हो सकता है, हाई फीवर, चील, हेडेक, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, थ्रू इन्फेक्टेड पेशेंट, और 2 to 7 days इसमें है। डायग्नोज बाय PCR। अब आपको यहां पे ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डायग्नोज बाय PCR, PCR को बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, आज जो कोरोना का भी जो टेस्ट हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम PCR, मतलब PCR ही है। तो सबसे ऑथेंटिक ये जितने भी किट आ रहे हैं या जो आ रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो टेस्ट है कोरोना का आज के टाइम पे वो है PCR ही है। तो PCR मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम आपको क्लियर पढ़ाने वाले हैं PCR, यानी इतना सिंपल वे में समझो कि जो जेनेटिक मटेरियल, छोटे लेंथ का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एम्पलीफाई करके 10 million गुना ज्यादा बड़ा कर देगा। कितना? 10 million टाइम्स ज्यादा बड़ा कर देगा। तो एक छोटे से जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को बहुत बड़ा लंबा बना देगा, जिससे उसके सीक्वेंस को समझने में हमें आसानी होती है और हम समझ जाते हैं। हमें पहले से पता है कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस कैसा है, और वैसा ही PCR सीक्वेंस में अगर आया, यानी जो पर्सन से हमने जो सैंपल लिया था उसमें भी वही PCR करने के बाद वही सीक्वेंस उसमें अगर आया, इसका मतलब है कि वह कोरोना से सफर कर रहा है। अगर नहीं आया मतलब नहीं कर रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, तो यहां पर भी डायग्नोज बाय PCR का मतलब अभी फिलहाल यहां पर ये समझिए, ठीक है। उसके बाद हम चलो, तो ये जो हमारा हुआ कंप्लीट वायरल और कुछ बैक्टीरियल डिजीज जो रिलेटेड है हमें जानना है, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो अब इसके बाद में हम लोगों को एस्पायरोसिटियल डिजीज और फिर प्रोटोजोन्स डिजीज जो है वह देखना है, जिसे हम लोग देखेंगे। ओके okay?